नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई ध्यान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी अपडेट के साथ हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं लाइव सेशन में जुड़ जाएं और मैं भी इस लाइव सेशन को थोड़ा सा कई ग्रुपों में शेयर कर दूं, जिससे कि आप सभी की बात शासन स्तर पर मजबूती से पहुंच चुक जाए और आप लोग इसको शेयर करिए। तो जितने भी साथी सभी साथियों को सुप्रभात। आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सेंटर को लेकर एक बहुत बड़ा उहापोह चल रहा है, तो ऐसे में सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि सेंटर की जिम्मेदारी सरकार की है। बस हम लोगों का प्रयास यह होना चाहिए कि जिस तरह से LTGIC साथ ही साथ 69,000 साथ ही साथ CTET आदि तमाम BDO जैसी परीक्षाओं में पेपर सत्यनारायण के प्रसाद की तरह हर गली हर चौराहे पर बंटा था, उसी को लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और आप लोगों को मित्रों बताना चाहूंगा कि युवा मंच टीम लगातार युवाओं के हक और अधिकार की बात करती है। युवा मंच टीम लगातार आपके अधिकार की बात करती है। युवा मंच टीम लगातार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इस बात से आप लोग पूर्णतया परिचित हैं। अब पूरी तरह से मुझे लगता है कि सहमत भी आप लोग होंगे। तमाम साथियों के सुबह से ही फोन आ रहे हैं और ऐसे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि युवा मंच टीम इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है और सभी जिले में अगर परीक्षाएं होंगी तो निश्चित तौर पर आप सभी को बता दें कि कुछ गोलमाल हो सकता है, जैसा कि पिछली कई परीक्षाओं में हुआ। लगे हाथ जितने भी साथी हैं सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज शासन स्तर पर पहुंचे। क्योंकि आपको पता है कि युवा मंच टीम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। आपको पता है कि युवा मंच टीम लगातार पेपर लीक जैसे मामले को लेकर के मजबूती से लड़ती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के नौजवानों का योगदान, प्रदेश के नौजवानों का सहयोग स्वार्थ के वशीभूत तक ही सीमित रहता है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मेरा ये प्रयास है कि आप सब शिक्षक बने और जिला स्तर पर परीक्षा हो तो सावित्री शर्मा जी जवाब आपको देंगे। बस पहले जो मुद्दा है उसको कर ले, उसके बाद आप लोगों का सभी का 50% लेकर सबका जवाब हम देंगे। ऐसा नहीं है, सबका जवाब दिया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं उन साथियों को मैं यही बताना चाहूंगा कि मित्रों आप लोग हताश निराश मत होइए और पूरी मजबूती के साथ पूरे जज्बे के साथ पूरे जोश के साथ आप सब जो है पढ़ाई में जुटिए। आप दिग्भ्रमित मत होइए। यह आपका दायित्व है, यह आपका कर्तव्य है, यह आपका जो है अधिकार है। देखिए COVID-19 का कहर तो है ही। COVID-19 की वजह से हम आप दावे के साथ, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, आप सुन लीजिए उसके बाद आप लोग जो है सुन लीजिए और शेयर कर दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। COVID-19 का दौर चल ही रहा है, जो आप लोग पूर्व से परिचित हैं, और COVID-19 की वजह से सरकार
यह चाहती है कि ज्यादा लोगों को भाग दौड़ना हो और साधन संसाधन भी कम ही मिल रहे हैं। इसमें अब भाई परीक्षा उनका भी निर्णय सही है, लेकिन एक जो भ्रष्टाचार जैसे मामले पिछली कई भर्तियों में हुए हैं उसको आप देख करके एक कयास लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे LTGIC भर्ती हो, भ्रष्टाचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आपके बीच के ही लोग इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे हायर एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, लगातार उसके समर्थन में रहते हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं, आपने देखा होगा। तो सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से नहीं होगा, इसके लिए विधिवत शासन प्रशासन आदि को होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में दलाली चरम पर होती है और खूब मजबूती से आप उस दलाली से परिचित भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप परिचित नहीं हैं। तरुण जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम आप लोगों के बीच में रखेंगे अपने मत और अगर आपको अच्छा लगेगा, मुझे यह उम्मीद है, देखिए हरिओम भाई, TGT PG इसके लिए चेयर बोर्ड डिक्लेयर नहीं करेगा, इसके लिए RTI मांगनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इतने निष्क्रिय हैं कि आप लोग सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहते। इसमें गलती हमारी आपकी है, इसमें दोषी हम और आप हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सब कुछ सरकार की गलती है, गलती हमारी आपकी है। हम आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के हर काम करते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर के आगे बढ़ते हैं। मैं भी चाहता हूं परीक्षा मंडल पर ही हो और एक चाक चौबंद जिस तरीके से एक मजबूत सुव्यवस्था हो जिससे परीक्षाओं में धांधली ना हो। लेकिन बड़ा कष्ट होता है मित्रों कि हम आप सक्रिय नहीं रहते, हम आप जागते नहीं हैं, हम अपने अधिकार को लेकर के आगे नहीं आते। ऐसे में आपको पता ही है कि जो भर्ती है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है। यदि हर विद्यालय में हर गली हर चौराहे पर जो है सेंटर बना तो एक ही विद्यालय के एक क्रम में दर्जनों प्रतियोगियों का सिलेक्शन आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा। LTGIC रेंडमाइजेशन प्रक्रिया ना होने से आगे पीछे पड़े जितने भी कई साथी थे उनका सिलेक्शन होना, इतना ही नहीं, पेपर का सरेआम व्हाट्सएप पर घूमना, ये सब चीजें सरकार को भ्रष्टाचार की नजर में नहीं आती। और हमारे आपके बीच के लोग भी इस बात से सहमत नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कुछ चंद 117 लोगों में से गिने चुने लोग यह चाहते हैं कि परीक्षा सेंटर पर जो है चाक चौबंद हो और भ्रष्टाचार ना हो, परीक्षाएं मंडल स्तर पर हो। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि हम सेटिंग गेटिंग से परीक्षा में पास हो जाएं, पढ़े लिखे ना। और देश की शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ही आप देख ही रहे हैं, चौपट है देश की शिक्षा व्यवस्था को और चौपट। कि आप सब की सजगता, आप सब की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए
जितने भी सेंटर हैं उन सभी सेंटरों पर हमारी ये मांग है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था लगा करके परीक्षा कराए और जो वहां के विद्यालय के टीचर हैं, उस विद्यालय के जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को जो है एक दूसरे विद्यालय में जरूर ड्यूटी दे। उसी विद्यालय के टीचर होंगे, हम ये लेटर आज लिखेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि हर मंडल में अगर परीक्षा होगी तो हर जिले में 75 जिले हैं, अगर 75 जिले में अगर परीक्षा होती है तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या एक एक जिले में होगी। वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वहां पर नकल ना हो पाए। देखिए मित्रों, सावित्री शर्मा जी का जूनियर का आपको बता दें कि जूनियर की परीक्षा पर अभी कोई विचार नहीं बनाए सावित्री जी, इसलिए जूनियर की परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होगी। और आपको बता दें कि जूनियर की परीक्षा में एक बहुत बड़ा लोचा है जिसे अगर आप दिमाग से सोचेंगी तो निश्चित तौर पर आपको सही मिलेगा। आपको पता है कि हाल ही में टेट की जो वैधता थी, जो टीईटी की वैधता थी, उसे सरकार ने बढ़ा दिया है, उसे अनवरत कर दिया है। ऐसे में कई लाख ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्होंने पूर्व में टीईटी की परीक्षा तो दी थी लेकिन उनकी टीईटी की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी और टीईटी उच्च प्राथमिक की सीधी भर्ती नहीं आ रही थी, इसलिए कई तमाम साथियों ने टेट परीक्षा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था। ऐसे में अब सरकार के सामने एक सवाल है जो तमाम गुट के लोग सरकार के सामने इस प्रश्न को रख रहे हैं कि जो टीईटी की परीक्षा है, उस टीईटी की परीक्षा कराई जाए, इतना ही नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी निकाली जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जूनियर की शिक्षक भर्ती आई हुई है उसमें उनकी मांग है कि हम अगर हमारी टीईटी का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वैलिड हो गया है तो हमें भी जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। चुनावी लहर है और चुनावी माहौल में जो है सरकार इन सबको पुनः जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका देने की फिराक में है और मुझे लगता है कि देगी भी, इसीलिए उसकी परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हो पाई है। साथ ही साथ ऐसे में देखिए पीजीटी की परीक्षा भी मंडल में हो जाएगी, पीजीटी की जिला मुख्यालयों पर होगी और वह बोर्ड गंभीर है इसको लेकर के। आप लोग सर्वेश जी परेशान ना हो, ईमानदारी से पढ़िए यहां, जहां भी आपको लगे कि यहां खतरा है, यहां दिक्कत है, यहां समस्या है, तो उन सब समस्याओं को आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पर लिखने का काम करें। 50% की वैधता को लेकर के आपको बता दें कि कल वकील साहब के पास न लिंक आई जबकि सुनवाई लगी हुई थी आप लोगों के पास, मैंने पीडीएफ भेजा था, सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि वर्चुअल सुनवाई हो रही है। नेटवर्क आप प्रयागराज में देख ही रहे, बहुत खराब चल रहा है, तो ऐसे में अब आप समझ ही सकते हैं। हाँ, आज 12:01 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वकील साहब से हमारी बात लगातार चल रही है, हमारी भी परीक्षा है, हम भी परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा तल्लीन है और हम चाहेंगे कि आप सब, तो उसके लिए तरुण जी बिल्कुल पूरा प्रयास है। आज हम लेटर लिख करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार जी को और सचिव महोदय को आगाह करेंगे कि आप इस पर समझिए, नहीं तो LTGIC में की तरह 10,000 शिक्षक भर्ती की तरह होगा कि 2-4 अधिकारी 2-4 कर्मचारी जेल जाएंगे, बाकी खेल जहां होना होगा वहां हो ही जाएगा। 2011 में टेट की परीक्षा हुई थी, संजय मोहन ने खूब बेचा था। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए,
और साथियों से कहिए कि मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काव में ना आए। और परीक्षा हर हाल में हम लोगों की कोशिश है कि पारदर्शी तरीके से है। और अगर आप युवा मंच से पूर्व परिचित हैं, आज की बात नहीं है, अगर आप युवा मंच से पहले से ही परिचित हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि युवा मंच टीम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है, युवा मंच टीम लगातार पेपर लीक के खिलाफ रहती है, और युवा मंच टीम आपको बता दे कि हमेशा जो है भ्रष्टाचारियों का वित करती है, जिसकी वजह से LTGIC में अंजू लता कटियार, कौशिक कुमार कर जैसे लोग जेल की सलाखों के अंदर जाते हैं। हालांकि सरकार अपनी नाक बचाने के लिए कि भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडा राज नहीं है, इसलिए सरकार ने उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। 69,000 में आपने देखा होगा कि KL पटेल, चंद्रमा यादव, मायापति दुबे तो थे ही, एक एक स्कूल के एक क्रम में दर्जनों सैकड़ों प्रतियोगी एक समान अंक पाते हैं, यह तो बात चलो बात ठीक है, एक एक परिवार के लोग एक समान अंक पा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की इस भ्रष्टाचार नीति में। जहां सरकार एक तरफ दावा करती है न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, वहीं सरकार आप देख सकते हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक आरक्षण के मामले हो या फिर पेपर लीक के मामले हो, तो ऐसे में हाँ, हालांकि कुछ लोग यह कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग अब ड्यूटी करें कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितने भी साथी हैं आप लोग सोशल मीडिया पर सरकार को आगाह करते रहिए कि फला भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, फला भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इस बार भर्ती में चाक चौबंदी बहुत सघनता से होनी चाहिए, जो कक्ष निरीक्षक हैं उस विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले टीचर नहीं होने चाहिए, जो उस विद्यालय में कभी पढ़ाए हों उस टीचर नहीं होने चाहिए, और वहाँ का जो प्रबंध तंत्र है उस प्रबंध तंत्र को विशेष हिदायत हो, और हर क्लास में एक प्रशासनिक अधिकारी अर्थात चाहे वो आर्मी का हो चाहे पुलिस का हो, उसको वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कक्ष निरीक्षक के रूप में। अगर सरकार चाहती है पारदर्शी तरीके से भर्ती, तो अगर सरकार नहीं चाहती है तो आपको बता दें कि हम आप चिल्लाते रहेंगे। आज हम सरकार के पास ये पत्र भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजेंगे, और साथ ही साथ देखिए वो आपका सही है, लेकिन आप पढ़ाई भी करेंगे कि केवल लड़ाई भी करेंगे? अंजना ग्रहरी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, जिस तरीके से LTGIC में प्रसाद बटा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 69,000-68,000 में प्रसाद बटा है, तो प्रसाद बटना तय है, लेकिन हम आप थोड़ा सा अगर गंभीर रहेंगे और मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष व जिला प्रशासन को लेटर के माध्यम से आगाह करेंगे कि हर हाल में पारदर्शी और सुचतापूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। पवन गुप्ता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, किसी के बहकावे मत आइए, क्योंकि हमारे चयन बोर्ड में कुछ ऐसे भी दोयम दर्जे के लोग हैं जो बाहर कुछ बात करते हैं अंदर कुछ बात करते हैं, तो इन सभी चीजों को गंभीरता से आप लोगों को विचार करना होगा, इन सब चीजों को गंभीरता से लेना होगा। आपका दायित्व है, कुछ लोग तो पूरा ठेका ले लेते हैं, भैया धीरज जी नमस्कार, और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं, अंकित श्रीवास्तव जी, ये साथी लगातार युवा मंच टीम से जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका एक भरोसेमंद संगठन, आपका एक भरोसेमंद टीम युवा मंच है, और युवा मंच टीम आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा
बात करती है। यही कारण है कि हम लोग इतनी जल्दी परीक्षा कराने को लेकर के लगातार संघर्ष किए। और आपको बता दें कि उस संघर्ष की सबसे बड़ी देन है कि आज हम लोग एक महीने बाद परीक्षा देंगे। मेरा मानना है कि अगर सरकार हर विद्यालय में पुलिस प्रशासन बल मजबूती से रखे, हर एक व्यक्ति की सघनता से निगरानी हो और हर कक्षाओं में सीसीटीवी फुटेज लगे हो, तो निश्चित तौर पर वहां कोई नकल नहीं कर सकता है। और आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधक अगर न चाहे तो, और मैं यह भी कहूंगा कि जो सेंटर पर ड्यूटी देने वाले लोग हों, वे उस विद्यालय के ना हो जो परमानेंटली वहां पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाते हैं निश्चित तौर पर उनका जो है संबंध क्षेत्रीय पास पड़ोस के लोगों से होता है और कुछ लोग पैसे देकर के संपर्क बना लेते हैं। आज के दौर में पैसा अगर आपके पास है तो आप संपर्क बना सकते हैं। रही बात सक्रियता की, तो युवा मंच टीम इस पर नजर बनाए हुए है। आप लोग तनिक भी परेशान ना हो, एकदम हौसले को बरकरार बनाए रखें। अब हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे, टीजीटी पीजीटी में जो 27,000 के पद हैं वे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के से जुड़े अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह डाटा दिया है कि 27,000 पद मेरे पास और खाली है, उसकी भी भर्ती होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि इसको भी भर्ती करो। अब युवा मंच टीम यह चाहती है कि जो ये 27,000 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्वतः स्वयं तो नहीं जोड़ेगा, लेकिन अगर आप सब चाहेंगे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर पर इनको पद जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें आपको न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ सकती है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस दौर में पढ़ाई का दौर है, समय भी कम है, एक महीने का समय है, उसमें हम सबको मजबूती से अपना प्रिपरेशन भी करना है, तैयारी भी करनी है और पढ़ना भी है और अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। ऐसे में जो भी साथी है, अगर वो साथी चाहते हैं कि नहीं ये 27,000 पद जुड़ जाए, तो निश्चित तौर पर सरकार के पास सामने 6 महीने बाद चुनाव भी है और मुझे नहीं लगता है कि इन 27,000 पदों पर सरकार जो है भर्ती कर पाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि यदि आप लोग चाहें तो एक याचिका के माध्यम से न्यायालय में एक सवाल रखा जाए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमेशा से कहता आया है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं, तो यह एक सुनहरा मौका है 27,000 पदों को अगर इस पद 15,198 पदों में जोड़ दिया जाए तो 42,000 पद लगभग हो जाएंगे। तो सरकार एक साथ 42,000 पदों पर विज्ञापन जारी, मतलब जोड़ करके भर्ती पूरा कर सकती है। अतुल जी आप सही कह रहे हैं कि 10 और 12 का नकल नहीं रोक पाए हैं, बात सही है, इस बात में नो डाउट। आपको बता दें कि 10-12 का नकल नहीं रुका है, ये बात सच है, इसीलिए इस बार तो नकल का कोई अवसर ही नहीं। देखिए मामला क्या है कि 10-12 के नकल और वनडे एग्जाम के नकल में थोड़ा सा अंतर होता है। वनडे एग्जाम में अगर हम आप सक्रिय रहेंगे तो नकल तो नहीं हो सकती है। अब पद जुड़ जाए इसके लिए भी हम लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो इसको न्यायालय में ले जाया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो कौन बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक पद के लिए आप भी लड़ रहे हैं मित्र, एक पद के लिए मैं भी लड़ रहा हूं। और सच्चाई है नरेंद्र जी कि हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति करप्ट है, हर व्यक्ति करप्शन की तरफ बढ़ता है, बिना कुछ किए बिना कुछ मेहनत के ही अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है जहां पर उसकी इच्छा होती है। अब हम लोगों का टारगेट यह होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। चंद्रभान भाई अब होगा तो क्या करेंगे, सरकार का काम है। अनिल सिंह आपके जैसे है बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, और आपको बता दें
कि चाहे जहां परीक्षा हो, नकल माफिया इतने सक्रिय है। क्यों सक्रिय? उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती नहीं है। अब बड़े बड़े मंत्री संतरी जो है इसमें हाथ पांव मारने के लिए और मोटी रकम कमाने के लिए लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय अपने भाई को जो असिस्टेंट प्रोफेसर बना लेते हैं, उनको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती है कि लोग क्या सोचेंगे। LTGIC को लेकर के आपको बता दें कि 20 अगस्त तक परीक्षाएं हैं, उसके बाद हम लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे कि जो LTGIC की भर्ती 8,500 पदों के लिए अधियाचन आया था, उन सभी पदों को भरा जाए, इसका विज्ञापन जारी करा जाए। इस मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल और राठौर जी अब क्या करेंगे, और आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन को संज्ञान में देना होगा और लेटर मैं लिख करके शासन प्रशासन को भेजूंगा, इसको गंभीरता से ले। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हताश निराश ना हो और बिल्कुल जुड़ेंगे। मेरी कोशिश है कि जुड़ेंगे जितने भी साथी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर सहयोग के लिए आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं इसको न्यायालय में रखूंगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हर वर्ष जितनी बार विज्ञापन निकाला है उसमें नीचे लिखता है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं। तो इस बार बढ़ाने का मौका है और सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा, निश्चित तौर पर सीटें जुड़ सकती हैं। अदर स्टेट वाले भी सामान्य के अंतर्गत आकर के इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, अगर सामान क्वालिफाई करते हैं तो मास्टर साहब बन सकते हैं। बिल्कुल अंजना ग्रहरी जी, मैं नए विज्ञापन में तो अपना योगदान दूंगा ही दूंगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितनी प्रतीक्षा सूची के साथी हैं, जितनी सीटें LTGIC में खाली हैं, उन्हें प्रतीक्षा सूची के तहत, उन्हें जो है वेटिंग लिस्ट के तहत, माध्यमिक हो चाहे फिर LTGIC लोक सेवा आयोग द्वारा हो, इन्हें भरना पड़ेगा। और बहुत जल्द आपको बता दें कि भरने की सौगात आ जाएगी। अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, हमारी बात लगातार उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के पास पहुंच रही है और मैं ये प्रयास करूंगा यथाशीघ्र जितने भी खाली पद हैं पूर्व विज्ञापन के, उन सभी पदों को जो नीचे प्रतीक्षारत साथी हैं उनको तत्काल नियुक्ति दी जाए, और ताकि 2021 के विज्ञापन में उनको शामिल न होना पड़े। बिल्कुल राठौर जी, तमाम शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई है और इस बेसिस पर रोक दी गई है कि उन्होंने जो है मानक पूरा किया है कि नहीं किया है, वे सचमुच तदर्थ शिक्षक हैं कि नहीं है। क्योंकि आपको बता दें तदर्थ शिक्षकों की संख्या तो कम है, लेकिन उनकी आड़ में प्रबंधकों के द्वारा एक लंबी संख्या को तैयार करके तदर्थ बनाने की फिराक को लेकर के जो है जो मिशन चल रहा था, वह युवा मंच टीम के सतत प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें बाहर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जिसका परिणाम है कि आप लोगों के सामने आज अगर देखा जाए तो काफी लंबी सीट 15,198 प्लस 27,000 पदों का जो है डाटा निकल करके बाहर आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले से ही जोर जोर से चिल्ला रहा था कि 40,000 से अधिक पद खाली हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 40,000 पदों का विज्ञापन जारी करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि तदर शिक्षकों की जड़ शासन स्तर में इतनी मजबूत है, इतनी फैली हुई है कि वहां पर उन्होंने एक बार विज्ञापन को रद्द करवा दिया और हमारे आपके हितैषी बताने वाले कुछ दोयम दर्जे के नेता भी उन्हीं की सपोर्ट में लगातार प्रयास करके यह चाह रहे थे कि यह परीक्षा अगस्त में ना हो, यह परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो। और बहाना यह दिया जा रहा था कि भर्ती 60 दिन के बाद होनी चाहिए, 90 दिन के बाद होनी चाहिए। तो एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया, बहुत ही कुंठित मानसिकता के लोगों के द्वारा ऐसा सोचा जा रहा है, जबकि
देखिए सारी अपडेट हमारे पास नहीं रहती है सोनू सोल जी, और एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रवेश पत्र आप कब डाउनलोड करेंगे, ये सब चीजें बोर्ड की हैं, बोर्ड इसको यथाशीघ्र देगा। और मेरा यह प्रयास है, लाइट कट गई, कि आप लोगों को जो है हर हाल में किसी भी तरीके से 7-8 अगस्त को TGT की परीक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हो, यह मेरा पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास यह है मित्रों कि आप लोगों को जो है पारदर्शी पूर्ण भर्ती प्रक्रिया मिले। तीसरा प्रयास यह है कि सभी जहां जिस जिले में परीक्षा हो वहां पर एक चाक चौबंद व्यवस्था हो और हर व्यक्ति की जो है सघनता से निगरानी हो, और वहां पर CCTV कैमरे हर जगह ऑन होने चाहिए। LTGIC की तरह नहीं कि CCTV कैमरे तो लगे थे सिर्फ दिखावा के लिए। और समस्या का निदान नहीं हुआ, लाइट की अच्छी व्यवस्था, हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस बात को लेकर के गंभीर हुई है, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यह आपकी समस्या नहीं है, यह हमारी समस्या है और हम इस समस्या को अपने स्तर पर देख रहे हैं।